सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि पाएं सभी खबरें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल NI3 में। और एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो रेलवे RRB जो रिक्वायरमेंट निकालने वाला था वो निकाल चुका है। 3 तारीख से आप इसे भर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारी संख्या में वैकेंसी निकला है, तो इसके बारे में आज आपको बता देता हूँ। ये 3 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये 5 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, इसके बारे में और ज़्यादा बताऊँगा इसके बारे में अच्छे से आपको कल बताऊँगा। अभी मैं फाइनली आपको सिर्फ सरप्राइज़ दे रहा था कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इतने सारे बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे कि असिस्टेंट लोग को पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती कब होगी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए, तो आप इसकी तैयारी कर दीजिए और ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। और जिसका स्केल ऑफ पे है इसको आप बता देता हूँ, Level 2 का है, CPA 19,900 रुपये। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और 500 रुपये जनरल OBC वाले लोग के लिए है और 250 रुपये ST SC और PWD वाले लोग के लिए है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखिए, आपको दिखा सकता हूँ मैं कितने सारी वैकेंसी निकली है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको ये सब बताते हुए। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी से ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये खबर आप तक पहुंचा सकूं। तो इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। और बाकी बातें जो भी आपको डाउट है, जो भी कुछ है, आप कमेंट में प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं उसका सवाल को जवाब दे सकूँ। और इसमें जो खास बातें हैं, अगर हो सके तो आपको मैं जल्दी बता देता हूँ। एज लिमिट जो है 18 से 28 होना चाहिए। अगर इसमें छूट मिलता है तो ST SC वालों के 5 साल और OBC लोग के लिए 3 साल मिलेगा, ठीक है। और बाकी बातें आप देख लीजिएगा। और मैं आपको ITI है, जो ITI कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं लोग भर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम दिए हैं, वो लोग भर नहीं सकते जब तक कि उनका रिजल्ट आने जाता है। और जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा आपको, ठीक है। और बाकी मैं आपको कल बातें ये सब बाकी कल बताऊंगा, बाकी सारी बातें, क्योंकि मैं अब जल्दी जल्दी मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया ताकि आप तक ये वीडियो जल्दी पहुंच सके और आपको इसकी जानकारी मिल सके कि इतनी खुशी की बात है, जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार का फल मीठा होता है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, भोपाल के लिए निकला है, बिलासपुर के लिए निकला है, कलकत्ता के लिए है, मुंबई के लिए है। और आप देख लीजिएगा इसमें बहुत सारी जगह के लिए जोन से निकला है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले खबर मैं आपको दे सकूं।